लगातार पांच बार सांसद रहे अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसके बाद भी अनुराग ठाकुर की चर्चा जोरों शोरों पर है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश अनुराग ठाकुर का गृह राज्य है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोग अनुराग ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेदारी में देखना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। हालांकि इस मामले में अनुराग ठाकुर का कहना है कि वह सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के लिए कार्य करते हैं, वह किसी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने शिमला में एक मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता परमानेंट होता है, बस उनकी जिम्मेदारियां बदलती रहती है। ऐसे में अनुराग ठाकुर पर नई जिम्मेदारी है, थोड़ा कैबिनेट मंत्रालय की ओर रुक कर। तो गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में शामिल किया गया है। बता दें कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी वह गुजरात से राज्यसभा सांसद है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चार और राज्यसभा के तीन बीजेपी सांसद हैं। इन सभी में सबसे अधिक चर्चा अनुराग ठाकुर की ही होती है। हालांकि अनुराग ठाकुर को इसमें कोई जगह नहीं मिली है। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने लगातार 2008 से 2024 तक लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। 50 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर पांचवी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिए हैं। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।